अब एक हादसा छोटी सी चीनी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इमली के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट में आर्यन और इमली की दर्दनाक मौत हो जाएगी। इसके बाद चीनी इमली और आर्यन को ढूंढने की कोशिश करेगी, पर ये दोनों नहीं मिलेंगे। हालांकि बॉम्ब ब्लास्ट जब हो जाएगा उसके बाद इन दोनों में थोड़ी सी जान रहेगी और इन्हें वक्त रहते हॉस्पिटलाइज्ड भी करवाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स यहां पर इमली और आर्यन को नहीं बचा पाएंगे और चीनी से कहेंगे कि एक आखिरी बार वो अपने मम्मी पापा से मिल सकती है। जब चीनी इमली से मिलने के लिए जाएगी तो इमली चीनी को उस वक्त भी सिर्फ यही समझा रही होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़े, अच्छे अच्छे काम करे और अपनी छोटी बहन चीनी का ख्याल रखे। इसी बीच इमली और चीनी के बीच कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो चीनी के दिल को दुखा देंगी। छोटी सी चीनी इमली की कही उस बात का इस कदर बुरा मानेगी कि बड़े होने तक वो जख्म भरेगा नहीं। इसके बाद चीनी अपने हीरो जी से मिलने के लिए जाएगी और हीरो जी से मिलना चीनी के लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि वो तो हमेशा से ही चीनी को बहुत प्यार करते आए हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में ही आर्यन और इमली दम तोड़ देंगे। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शो का अपकमिंग एपिसोड और क्या कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आता है। मालिनी का ये प्लान तो कामयाब हो गया, फाइनली मालिनी की जीत हो चुकी है। क्या ये वाकई में मालिनी की जीत है? साथ ही देखना ये भी है क्या नए सफर में मालिनी चीनी और मीठी की जिंदगी का हिस्सा बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी जान भी नहीं गई है। तो फिर अब इस नए सफर में, इस नई कहानी में जनरेशन लीप के बाद मालिनी की एंट्री किस तरह से होती है देखना दिलचस्प होगा। सीजन 2 की कहानी आखिर कैसी होगी, ये सवाल सभी फैंस के दिलों में उमड़ रहा है। जी हाँ, स्टार प्लस का सुपर हिट शो इमली सीजन 2 आपको बहुत जल्द टेलीकास्ट होते हुए नजर आएगा अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। यूं तो सीजन 1 काफी ज्यादा धमाकेदार रहा है, आर्यन और इमली की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार भी मिला है। यहाँ तक कि फैंस तो बिल्कुल नहीं चाहते कि सीजन 1 भी ऑफ एयर हो, क्योंकि आर्यन और इमली की ये जो नोकझोंक भरी दास्तां है कहीं ना कहीं सभी दर्शकों के मनों को खूब भाती है। लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से शो के मेकर्स इस सीजन 1 को खत्म कर रहे हैं और सीजन 2 के साथ एक नई कहानी का आगाज करने वाले हैं। इस नई कहानी में आपको नए नए कैरेक्टर्स भी नजर आएंगे जो बहुत दिलचस्प होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं चीनी और इमली की बेटी का। जी हाँ, ये दोनों वही कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती हुई नजर आएगी। बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों बहनों की इक्वेशन क्या मालिनी और इमली के जैसी होगी। वैसा ना हो तो ही ठीक है। इन दोनों बहनों का रिश्ता तो हमने सीजन 1 में खूब देख लिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 में दोनों बहनों के बीच भरपूर प्यार ही नजर आए। वेल, अब सीजन 2 का रहेगा इंतजार, नई कहानी को देखने का रहेगा इंतजार। लेकिन साथ में अगर बात इस शो के स्टार कास्ट के बारे में की जाए तो एक्टर फहमान खान आपको इस शो का हिस्सा बनते नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है कि शो की आन बान शान में से एक आर्यन का किरदार निभाने वाले एक्टर फहमान खान अब इमली सीजन 2 का हिस्सा नहीं होंगे। अगर कारणों की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि फहमान खान टेलीविजन स्क्रीन पर बच्चों के पिता का रोल नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर सुंबुल तौकीर भी पेरेंट्स के किरदार में नज़र नहीं आने वाली हैं, लेकिन हाँ, इमली की जो बेटी होने वाली है उसके चेहरे के रूप में आपको सुंबुल का चेहरा जरूर नजर आ। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इमली की कहानी में अब दर्दनाक मौत का मंजर देखने के लिए हो जाइए तैयार। ये शो अपने आखिरी पड़ाव पर है और जितनी खुशखबरियां अब तक इस सीरियल में आपने 2 दिनों में देख ली हैं, उतनी ही बैड न्यूज भी आपको सुनने के लिए मिलेंगी। दरअसल मालिनी ने अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है आर्यन और इमली की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, बर्बाद ही नहीं खत्म करने के लिए। वेल, मौका है गणपति विसर्जन का
और वहीं पर होगी मालिनी की एंट्री, जो अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आई है। वेल, राठौर मेंशन में बॉम्ब प्लान कर दिया है अब मालिनी ने, और इससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है क्योंकि कोई इस बारे में नहीं जानता। वेल, अब बहुत जल्द शो का अपकमिंग ट्रैक लेकर आएगा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। और इसी बीच गणपति पूजा के दौरान इमली को पेट में दर्द उठेगा और आर्यन उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल भागेगा। हालांकि जिस बॉम्ब को मालिनी ने प्लान किया है आर्यन और इमली के लिए, ये दोनों उससे बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इमली की जान नहीं बचने वाली। वेल, हॉस्पिटल जाकर इमली अपनी छोटी सी नन्ही सी बेटी को जन्म तो देगी, लेकिन डॉक्टर्स कह देंगे कि माँ या बेटी में से किसी एक को हम बचा सकते हैं, और तब इमली फैसला लेगी कि आप मेरी बेटी को बचाओ। और इसके बाद इमली की दर्दनाक मौत का मंजर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर जब मालिनी को पता चलेगा कि इमली सक्सेसफुली डिलीवरी करने में कामयाब हो गई है, तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब वो इमली और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचेगी हॉस्पिटल, जहां उसका सामना होगा आर्यन से। वेल, अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि मालिनी के इस पागलपन को रोकने में क्या आर्यन कामयाब हो पाएगा। अब कौन सा नया हाई वोल्टेज ड्रामा और तकरार से भरे ट्रैक देखने के लिए मिलते हैं सीरियल इमली के इस आखिरी पड़ाव में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। मालिनी चुराने वाली है इमली की बेटी को। इमली और आर्यन का हाल होने वाला है बेहाल। जी हाँ, स्टार प्लस के सुपरहिट शो इमली की कहानी में जाते जाते एक और ट्विस्ट देख जाइए, क्योंकि मालिनी की हरकतें, उसकी साजिशें अब इस कदर बढ़ जाएंगी कि हॉस्पिटल जाकर वो इमली की बेटी को भी चुरा लेगी। मालिनी को जब पता चलेगा कि आर्यन और इमली इस बॉम्ब ब्लास्ट से बच गए हैं, तो वो इन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ना सिर्फ इन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि इनके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। लेकिन उसके पहुंचने से पहले इमली की बेटी इस दुनिया में आ चुकी होगी। अब मालिनी के मन में चल रही है अंदर ही अंदर एक और साजिश। वो साजिश ये है कि जिस तरह से मालिनी को लगता है कि इमली ने उसकी ज़िंदगी में सब कुछ छीना है, उसी तरह से अब मालिनी भी इमली से सब कुछ छीन लेगी और सबसे पहले उसका बच्चा। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या मालिनी के इन इरादों से अपनी बेटी को बचाने में आर्यन और इमली कामयाब हो पाएंगे। साथ ही अगर गलती से भी इमली की बेटी मालिनी के हाथों लग गई, तो मालिनी उसे अपना बनाने से, अपने जैसा बनाने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस डेंजर अलर्ट से कैसे इमली